हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एंड इंस्टा गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फायरबोल टैंक स्मार्ट वॉच वर्सेस पेपल कॉस्मोस इंगेज स्मार्ट वॉच के बारे में। इन दोनों स्मार्ट वॉच की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सी स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाती है, क्योंकि करंट में देखा जाए तो इनकी प्राइस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों आपको सेम प्राइस पे देखने को मिल जाएगी, यानी कि 2999 रुपए में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऑफर वगैरह को देखा जाएगा तो आपको 500 से 1000 रुपए का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए कौन सी स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाती है, क्या डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा इनकी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन और फीचर को लेकर, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको डिफरेंस मिलने वाला है। ये दोनों स्मार्ट वॉच आपको रेक्टेंगुलर डायल शेप में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन फायरबोल टैंक स्मार्ट वॉच में आपको क्या है कि प्लास्टिक की बॉडी जो है देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक की बॉडी जो है देखने को मिल जाएगी, जबकि पेबल कॉस्मोस इंगेज में आपको मेटल फ्रेम की बॉडी जो है देखने को मिल जाएगी। तो इनके मटेरियल में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। दोनों स्मार्ट वॉच में आपको सर्कुलर क्राउन रोटेटरी बटन का सपोर्ट जो है दिया गया और एक फ्लैट टैप नेविगेशन बटन का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो इनकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन देखा जाए तो बहुत ही अलग देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन अच्छी लगती है। और दोनों स्मार्ट वॉच में सिलिकन का स्टेप जो है यूज किया गया, तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फायरबोल टैंक स्मार्ट वॉच में आपको 1.85 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 240x280 का दिया गया, 500 nits का पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाएगा और 100 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का सपोर्ट जो है दिया गया। जबकि वहीं पे पेबल कॉस्मोस इंगेज स्मार्ट वॉच में आपको 1.95 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाली और इसमें आपको 320x385 का पिक्सल रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिल जाएगा और 600 nits का पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाएगा और मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलने वाला है। तो डिस्प्ले साइज और क्वालिटी देखा जाए तो साइज और क्वालिटी में आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर बेस्ट क्लास की डिस्प्ले देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेबल कॉस्मोस की डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी भी हो जाती है और साइज भी आपको बड़ी देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट के मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में। तो इन दोनों स्मार्ट में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर मिल रहा है, यानी इनबिल्ट माइक, स्पीकर, डायल पैड, कॉन्टेक्ट से क्वालिटी का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्ट में देखने को मिल जाएगा, यानी आप अपनी स्मार्ट वॉच से ही कॉल पे बात कर सको। फ्रेंड्स, बात करें इनके हेल्थ ट्रैकर्स के बारे में, तो इसमें आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों में आपको SpO2 का सपोर्ट, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप, स्ट्रेस और उसी के साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकर्स का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में आपको डिफरेंस मिलने वाला है। टैंक स्मार्ट वॉच में 123 यानी कि 123 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, जबकि पेपल कॉस्मोस इंगेज में आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे। तो इसमें आपको 40 से 50 या मैक्सिमम 60 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलने वाला है। बात करें इनके वाटर रेजिस्टेंस को लेकर, तो इसमें आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों में IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी पानी भी हल्का फुल्का लग जाता है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और दोनों स्मार्ट वॉच में वॉइस असिस्टेंट का फीचर जो है मिल रहा है, यानी गूगल के साथ साथ सीरी की जो आप इजिली एक्सेस कर सकते हो, स्मार्ट फीचर और स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। और बैटरी बैकअप को देखा जाए तो 7 to 10 डेज का नॉर्मल बैकअप आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ कॉलिंग को हैवी यूज करते हो तो 1 से 2 दिन का बैकअप निकल कर आ जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के थोड़े से डिफरेंस के बारे में, तो पेबल कॉस्मोस इंगेज स्मार्ट वॉच में आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल रहा है, जबकि फायरबोल टैंक स्मार्ट वॉच में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आपको 5 इनबिल्ट GPS का मोड जो है देखने को मिल जाएगा। तो साइकिलिंग, रनिंग, ट्रेल, ये सब फीचर में आपको 5 GPS का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ट्रैक वगैरह भी कर सकते हो। तो ये फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जबकि यही वाला फीचर आपको पेबल कॉस्मोस इंगेज में देखने को नहीं मिलेगा। जबकि फायरबोल टैंक स्मार्ट वॉच में आपको इनबिल्ट कैलकुलेटर का फीचर दिया गया और उसी के साथ इनबिल्ट गेम का फीचर जो है मिल जाएगा, लेकिन पेबल कॉस्मोस इंगेज स्मार्ट वॉच में ये दोनों फीचर मिलेंगे या नहीं, कंपनी ने ये रिवील नहीं किया। फ्रेंड्स, ये कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा इन दोनों स्मार्ट वॉच में। अब प्राइस पॉइंट को देखा जाए तो करंट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्ट वॉच आपको 2999 में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फायरबोल टैंक स्मार्ट वॉच जब लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइस थी 1999। अब देखा जाए कि आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। तो अगर आप लुक वाइज परचेस करना चाहोगे तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन अगर फीचर वाइज और लुक वाइज आप परचेस करना चाहोगे तो मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप परचेस कर सकते हो पेबल कॉस्मोस इंगेज स्मार्ट वॉच को, क्योंकि लुक भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा और फीचर भी आपको अच्छा खासा इसमें देखने को मिलने वाला है। बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाएगा, पिक्सल रेजोल्यूशन भी सपोर्ट मिलने वाला है और उसी के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट जो है मिल जाएगा। तो मिला जुलाकर इस प्राइस पे काफी ज्यादा अच्छा फीचर जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन 1999 में अगर टैंक स्मार्ट वॉच मिलती है तो भी ये बहुत ही ज्यादा वर्थ है, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है और बॉडी क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। लेकिन 1999 से ज्यादा जाता है तब आप इसको बिल्कुल भी बाई मत करिएगा,
और पेबल कॉस्मोस भी अगर 2999 रुपये से ज्यादा जाती है तब इसको भी आप बाई मत करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी परचेस करनी चाहिए। प्राइस के हिसाब से दोनों स्मार्टवॉच काफी ज्यादा बेस्ट है, बस वही है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो आप कोई परचेस मत करिएगा। और यहाँ पे अगर सेम प्राइस पे मिल रही है तो यहाँ पे आप पेबल कॉस्मोस इंगेज स्मार्टवॉच को परचेस कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। लेंगे नेक्स्ट रूम किसी ने अनबॉक्सिंग टिटी साथ है, तो के लिए जय।